रोज एक कहानी, प्रेरणादायक कहानियाँ। लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसके चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाते। बहू बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस कमजोरी, इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम अब इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को अपने कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की ही तरह आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने के पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो, पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वो पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि उन्हें अब क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।